गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एजीके चैनल आपका आपका चैनल जो कि सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हजार्ड्स मटेरियल। हजार्ड्स मटेरियल होता क्या है? मेरे पहले अगर वीडियो आपने देखे होगी तो उसमें मैंने हजार्ड्स और रिस्क ये मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा हजार्ड्स मटेरियल। तो हजार्ड्स मटेरियल होता क्या है, कैसे अगर उसमें आपको दिखाई देता है तो उसमें क्या आपको रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेने का है, कैसे वो अगर हैंडल कैसे करने का है और उसका इंसिडेंट कैसे बनने का है, ये आज के टॉपिक में हम देखने वाले। तो देखते हैं हजार्ड्स मटेरियल होता क्या है। तो हजार्ड मटेरियल की डेफिनेशन होती है वस्तु, व्यक्ति या तो घटना जिससे कि प्रीमाइसेस या तो प्रॉपर्टी को यानी कि नुकसान हो। ऐसी कौन सी भी चीज हो, वस्तु हो, घटना हो, व्यक्ति हो, जिससे कि हमारे प्रीमाइसेस या तो प्रॉपर्टी को डैमेज यानी कि नुकसान हो, तो उसको हजार्ड मटेरियल बोलते हैं। यानी कि वही कौन सी भी चीज हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिससे कंपनी को यानी कि नुकसान पहुंचे या तो जान या माल को हानि पहुंचे, उस चीज को हम कहते हैं हजार्ड मटेरियल। तो उसमें क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल आता है केमिकल्स आते हैं, गैस लीकेज होता है तो वो भी हजार्ड मटेरियल हो जाता है। अदरवाइज आपको कहीं भी ऑयल फिसल जाता है, अगर सीढ़ियों पे ऑयल फिसल गया तो कोई फिसल के गिरने की संभावना होती है, वो भी हजार्ड मटेरियल कहलाता है। कहीं पे वाटर लीकेज होके सीढ़ियों पर या तो किधर फर्श पर गिर जाता है, उससे भी फिसल कर आदमी गिर जाता है, उसको भी हजार्ड मटेरियल बोलते हैं। यानी कि जो चीज उससे आपको धोखा या तो हानि पहुंच सकती है, उस मटेरियल को हम हजार्ड मटेरियल्स बोलते हैं। तो ऐसा मटेरियल दिखाई देने पर या तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे उसको सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स करनी है और आपको एक्शन क्या लेना है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बोला केमिकल मटेरियल्स, आपने देखा होगा कि हाउसकीपिंग हर एक कंपनी में केमिकल का यूज करते रहते हैं, यानी कि क्लीनिंग पर्पज बोलो, और केमिकल कंपनी में तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है। उसके बाद में बड़े बड़े गैस इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके उसमें गैस लीकेज भी होता है। अपनी भोपाल वाली दुर्घटना देखे होगी, गैस लीकेज के इससे कितना बड़ा हादसा हुआ था। वैसा ही एक और किधर देखते हैं आप, ऑयल्स कभी कभी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज होती है तो उनमें व्हीकल चलती है, क्रेन चलती है, तो उसमें से ऑयल फर्श पर नीचे गिर जाता है, उससे जो भी वर्कर्स है वो फिसल कर गिर जाता है और उसको इंजरी हो सकती है। यानी कि जो भी वह व्यक्ति, वस्तु, घटना जिससे भी आपको हानि हो, इंजरी हो, ऐसी कोई सी भी चीज मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, हजार्ड मटेरियल्स। तो उसमें क्या आपको सेफ्टी रिक्वायरमेंट करनी है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है चेक एरिया इज सेफ एंड कॉज्ड एनी इंजरी। यानी कि हर वक्त हमको राउंड लेते टाइम, पेट्रोलिंग करते टाइम हमको ये करना है, चेक करना है कि जो एरिया है वो सेफ है हमारे लिए, और एनी कॉज उसके कारण इंजरी है और उसके कारण कुछ इंजरी नहीं होने वाली। यानी कि ऐसा मटेरियल हो उससे हमें चेक करना है कि जिस मटेरियल से हमको वो सेफ्टी है और उससे कोई इंजरी नहीं होने वाली। उसके बाद में डू नॉट एंटर एनी लैब दैट इंडिकेट्स ऑक्सीजन डिफिशियंसी। यानी कि आपकी कंपनी में अलग अलग लेबोरेटरीज होती है तो कभी कौन सी भी लेबोरेटरी में एंट्री नहीं करनी है जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी ऐसा सिंबल लगा हुआ हो, तो वो हमको क्या टेक केयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बी अवेयर ऑफ स्पेसिफिक लैब हजार्ड्स बाय रिव्यूइंग डोर साइन। यानी कि आपको अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि अब किसी भी लैब, स्पेसिफिक लैब होते हैं बहुत स्पेशली, उसमें साइनेज लगा हुआ होता है कि डोर में, डोर पे साइनेज लगा है कि डू नॉट अलाउ यानी कि हजार्ड मटेरियल है। यानी कि आप देखते वो खोपड़ी का यानी कि धोखा का ये साइन लगा हुआ होता है, ऐसे लेबोरेटरी में आपको जाना नहीं, अवेयर और जागरूकता रखनी है। उसके बाद में वेयर प्रोटेक्टिव ग्लोव्स बिफोर अप्रोचिंग द सीन्स और अफेक्टेड पर्सन। कभी भी अगर आप ऐसे घटित घटना होती है तो आप ही कभी भी आप किसी दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वेयर प्रोटेक्टिव हैंड ग्लोव्स पहनने हैं। अगर कोई हाउसकीपिंग का बंदा हो, केमिकल यूज कर रहा है और उसको कुछ घटित हुआ है, तो आपको तुरंत जाके उसको पकड़ना नहीं है, पहले हमारी सेफ्टी देखनी है, प्रोटेक्टिव हैंड ग्लोव्स पहनना है, उसके बाद ही उसको हेल्प देनी है और उसको अप्रोच करना है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको अप्रोच करना है, पहले हमारी हैंड ग्लोव्स पहन के उसको अप्रोच करना है।
उसके बाद में वेयर अ पीपी किट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी यानी कि पहले हमको पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, उसके बाद ही दूसरों को सहायता करनी है, यानी कि अप्रोच करना है। तो पहले हमें पीपी किट परिधान करना है, हैंड ग्लोव हो, अपना गॉगल्स हो, हेलमेट हो, कुछ भी जो चीजें हमको इंजरी से बचा सकते और खतरों से बचा सके, ऐसा सब पीपी किट वेयर करके ही किसी दूसरे को हमको हेल्प करनी है या तो उसको बचाने की कोशिश करनी है। तो पहले हमारी सेफ्टी देखनी है, तो प्रॉपर पीपी किट वेयर करना है एनी इमरजेंसी में, कौन सी भी इमरजेंसी हो, चाहे फायर हो, किधर केमिकल हादसा हुआ हो, कभी किसी को फिसल का गिरा हो, तो सब हमारी सेफ्टी पहले देखना है, उसके बाद ही उसको हेल्प करना है। तो पीपी किट प्रॉपर पहनना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिकंटमेंट एंड एनी पर्सन कंटेमेंट विद द हजार्स अप्लाइंग फर्स्ट एड, यानी कि जो भी बंदा आपको दिखाई देगा, अगर उसको पहले हमें ये करना है कि जो भी बंदा आपको ऐसा अफेक्टेड दिखा होगा, तो उसका पहले निर्जंतीकरण करना है, और उसके बाद ही क्या करना है, उसको फर्स्ट एड देना है। यानी कि हमने देखा होगा पिछला ही बार हमने कोरोना वगैरह ऐसा बहुत सारी बीमारी देखी, तो वैसे ही जगह से कोई अगर कोरोना ग्रस्त उसमें बंदा आपको पॉजिटिव मिलता है, तो वो उधर जिस जिस एरिया में जाता है, तो आप उसे निर्जंतीकरण करते थे। उसी टाइप से अगर कोई ऐसा अफेक्टेड बंदा मिलता है, तो पहले उसको निर्जंतीकरण करना है, उसको ये करना है, और उसके बाद ही उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। उसके बाद में प्रोवाइड फर्स्ट एड एनी विथ स्कोप ऑफ योर ट्रेनिंग एंड इट इज सेफ टू डू सो, यानी कि किसी को भी हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, तो पहले हमें ये उसी व्यक्ति ने या तो देना है जो उसमें ट्रेनिंग है, परंपरागत है, उसको पता है फर्स्ट एड का पूरी तरह से, और वो उसके लिए और दूसरे बचने वाले के लिए सेफ्टी हो, उसी को ही फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद में आपके जो सीनियर्स होते हैं उनको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, जो भी आपके अगर सुपरवाइजर रहेंगे या तो एसओज रहेंगे तो उनको कांटेक्ट करना है, और जैसे भी हम उसको हेल्प करने जाएंगे तो पीपी किट वेयर करके ही करना है। अगर कोई ड्रेनेज वगैरह कट हुआ हो, किधर से पाइपलाइन लीकेज हो, तो उसके पहले कवर ड्रेन करना है, उसके बाद ही हमको उसकी हेल्प करनी है। कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी, यानी कि आप हमको उसी टाइम क्या करना है, जो भी इमरजेंसी टीम्स है उनको कोऑर्डिनेट करते रहना है। उसके बाद में कॉर्डन द अफेक्टेड स्पेस डेनिस एक्सेस टू डेनी एक्सेस टू एवरीवन एंड एक्सेप्ट ट्रेन रिस्पॉन्ड, यानी कि जो भी एरिया आपको अफेक्टेड मिलेगा, या तो अगर ऑयल गिरा हो, किधर कुछ आपको सस्पिशियस बॉम्ब दिखाई देता हो, एक बैग दिखाई दे रही हो, उससे कि हमको हजार से किसी मटेरियल बॉम्ब वगैरह कैसा रखा हुआ है उधर, ऐसा आपको सस्पिशियस मालूम हो, तो उसको उधर किसी को जाने नहीं देता, तो पूरा वो एरिया है वो कोऑर्डिनेट करके रहना है, कोऑर्डिनेट करके रखना है। जो भी ट्रेंड पर्सन है उनके सिवा अदरवाइज कोई भी उसको हैंडल नहीं करना चाहिए, ये हमको टेक केयर करनी है। उसके बाद में हमको क्या करना है, मेंटेन द क्राउड कंट्रोल विद इन द एरिया, यानी कि ऐसी चीज हमको जब दिखाई देती है हजार मटेरियल, तो हर एक जो भी हमारी कंपनी का क्राउड है, एसोसिएट है, वेंडर्स है, उनको उस जो भी घटित जगह है उससे दूर लेके जाना है, न कि क्राउड करना है, तो क्राउड को रोकना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंश्योर दैट द रिस्पॉन्स इज कॉन्टेक्टेड इन अ सेफ सिक्योर मैनर, यानी कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको ये हेल्प कर रहे, तो खुद भी सेफ्टी रहे और दूसरे को भी सेफ्टी करके ही वो इंश्योर मैनर यानी कि सेफ्टी मैनर से ही उसको रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद में डायरेक्ट अफेक्टेड जो भी डायरेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनका पहले निर्जंतीकरण शावर से करें, और उसके बाद ही उनको फर्स्ट एड दे दें। उसके बाद में क्या करना है आपको, जो भी जरूरत होने पर अतिरिक्त संसाधन, यानी कि आपको अगर ज्यादा हेल्प चाहिए तो आप बुला सकते हैं आपकी टीम को, अदरवाइज कॉल करके अगर आपको जरूरत है तो उनको बुला सकते हैं, और अदरवाइज आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए तो वो कॉल करके ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, एचएस टीम होती है, हेल्थ इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी टीम जो होती है, उनको भी कांटेक्ट करने हैं, जो भी घटना घटित हुई उनको भी कांटेक्ट करके बताना है। उसके बाद में एक्सेस एनी इन्वायरमेंट, यानी कि उस घटना से इन्वायरमेंट को कोई डैमेज तो होने वाला नहीं है,
ये भी हमको देखना है कि अगर हमारी कंपनी में नहीं तो अदरवाइज इन्वायरमेंट में, अगर वो ऐसा गैस लीकेज वगैरह होता है तो बाहर की इन्वायरमेंट में इनकी साइट वाली कंपनीज और पब्लिक को भी उससे धोखा पहुंच सकता है। वैसा भी कुछ है कि नहीं, ये इन्वायरमेंट डैमेज होता है कि नहीं, ये भी हमको चेक करना है। उसके बाद में ये सब हो गया तो हमको ये जब भी कोई सा हजार्ड मटेरियल दिखाई देता है तो ये सब टेक केयर्स करनी है, क्या क्या करना है मैंने आपको बताया भी पहले। और उसके बाद में हमको लास्ट में क्या करना है, उसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते टाइम हमको उसका जो भी घटना घटित हुई है तो किस कारण हुई है, उसका नाम और कुछ डिटेल्स है तो उसका डिटेल्स लेना है। उसके बाद में इमरजेंसी सर्विसेज जो भी होती है, एम्बुलेंस हो या तो व्हीकल्स हो, फायर ब्रिगेड हो, जो भी कुछ भी हो तो उसको बुलाना है, उनसे कांटेक्ट करना है। प्रॉपर्टी डैमेज कितनी हुई है उसका भी डिटेल्स लेना है। उसके बाद में सब जो भी अगर ऑयल क्लीन अप करना है और डिस्पोज करना है, यानी कि बाद में जब पूरी घटना घटित हो गई हो तो उसे वो क्लीन अप करके डिस्पोजल करके उनको हटाना है। उसके बाद में एक इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट करना है जो आपके सीनियर्स को देना है। तो इस तरह से आपको अगर हजार मटेरियल्स मिलता है, और हजार मटेरियल्स क्या होता है मैंने आज के टॉपिक में बताया आपको। हजार मटेरियल्स जो भी चीज हो, व्यक्ति हो, घटना हो, जिससे कि हमारे प्रीमाइसिस या कंपनी को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उस मटेरियल को हम हजार मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, गैस लीकेज हो सकता है, अदरवाइज ऑयल या वाटर लीकेज हो सकता है, जो भी ये चीजें है वो हजार मटेरियल्स कहलाती है। तो उसके बाद में हमें क्या क्या करना है चेक आपकी सेफ्टी के लिए, तो ये मैंने आप पॉइंट बताए। जो भी सेफ्टी करने के लिए एरिया चेक करना है, सेफाई क्या देखना है, जो भी ट्रेन पर्सन है वही उसको फर्स्ट एड करेगा, पहले पीपीई किट पहनना है, और जो भी इमरजेंसीज आपकी जो कॉल कर आपके सीनियर को इन्फॉर्म करना है, ईएसएस टीम को इन्फॉर्म करना है, जो हमारी इमरजेंसी सेवाएं है, मानो एम्बुलेंस हो या तो फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, आदि इमरजेंसी सेवाओं को बुलाना है। ये सब मेंटेन करते करते आपको क्राउड को भी मेंटेन करना है, और जो भी एरिया है हजार मटेरियल का उसको क्या कोऑर्डिनेट कॉर्डन करना है, ये सब चीजें हमको करनी है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें हजार मटेरियल्स में और क्या क्या आता है। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल आता है, फ्लेमेबल मटेरियल आता है, पॉइजनस गैस और पॉइजनस गैसेस आते हैं उसमें, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आता है, और इमरजेंसी कैन हैपन ड्यूरिंग द, और इमरजेंसी कब घटती है, तो ऐसे एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल, पॉइजनस, रेडियो एक्टिव जो भी मटेरियल्स होता है उनसे क्या होता है, इमरजेंसी घटित होती है। इमरजेंसी कैसे घटित होती है, तो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में या तो स्टोरेज करते टाइम होता है, और जो स्टोरेज करते टाइम होता है, ये ऐसी ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम ये जो चीजें हम घटित घटनाएं करते हैं, तो उसके कारण हजार मटेरियल से क्या होता है, इमरजेंसीज होती रहती है। अगर ऐसी इमरजेंसीज न हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बिफोर हजार्स इसके लिए कंपनी में क्या होता है, ऐसी लोकल इमरजेंसी प्लानिंग कम्युनिटीज हायर की जाती है, जो कि अपनी कंपनी का सर्वे करती है, हर टाइम ऑब्जर्वेशन में रहती है, जो भी हजार्ड्स मटेरियल्स उसको दिखाई देते हैं तो उनको प्लानिंग कर उससे कम रिस्क हो, उससे कम रिस्क को करने की वो प्लानिंग करती है, और उससे वो जो हजार्ड मटेरियल्स दिखाई देता है तो उससे हटाकर वो उससे जो होने वाली इंजरी है या तो होने वाला कॉज है उसको कम करती है। ये लोकल इमरजेंसी कम्युनिटी टीम ऐसे ही जैसे ही उनको हजार मटेरियल दिखता है तो जो भी लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस टीम रहती है तो उनको इन्फॉर्म करती है। ये सब अगर हम बिफोर द हजार मटेरियल्स किया था उसको रोकने की हम कोशिश कर सकते हैं। और जैसे भी ठीक जिधर जिधर भी हजार मटेरियल्स दिखाई दे वहां पे आपको इमरजेंसी किट रखना चाहिए, और कंपनी में हमको सेटलिंग प्लेस ये प्लान भी करना चाहिए, ताकि अगर इन इमरजेंसी कुछ ऐसे हजार मटेरियल्स के कारण हमको घटित घटना हो तो हम सेटरिंग प्लेस में चले जाए, वहां पे हम सेफ्टी रह सके, तो ये हम बिफोर हजार मटेरियल्स के हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगर ड्यूरिंग हजार मटेरियल्स आपको मिलता है तो आपको क्या क्या करना है, तो जो भी रेडियो सेट होता है वॉकी टॉकी होती है, या तो अगर आपका पीए सिस्टम्स होता है उसके दौरान आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है। और उसमें अगर बोला जाए कि अगर वो हजार्ड मटेरियल्स के कारण बहुत इम्पैक्ट अफेक्ट होने वाला है
अगर वो बोलते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए तो हमको इवैक्यूएशन भी करना चाहिए और मिनिमाइज जो भी अगर उसको मिनिमाइज करना है, इवैक्यूएशन नहीं करना है तो हम उसको डोर या विंडोज को क्लोज कर सकते हैं और जो भी हजार स्मार्ट सेंसर है उनको टच नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई स्प्लिट लिक्विड हो या तो एयरबॉर्न हो या तो मिस कंडक्टिंग हो तो उसको हम टचअप नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अगर ऐसा कोई घटित हो तो हमें मास्क वेयर करना चाहिए या तो पीपी किट पहनना चाहिए और उस घटना घटित से हमें दूर एरिया में रहना चाहिए। ये हम ड्यूरिंग द हजार्ड्स मटेरियल्स हम हमारी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। अभी आफ्टर हजार्ड्स मटेरियल्स, अगर वो हजार्ड्स मटेरियल्स के बाद हम क्या करते हैं तो जो भी हमारे रेडियो टॉकीज है, मोबाइल्स है और एनी पीए सिस्टम्स है उनके ऊपर जो घटित घटनाएं घट रही है उनके जो इमरजेंसी में हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो फॉलो करते रहना है। बाद में अगर जो भी हमारी इमरजेंसी सेवाएं है उनको एम्बुलेंस हो और अदरवाइज पुलिस हो या तो पैराग्राफ हो उनको कांटेक्ट में रहना है, इमरजेंसी सेवाओं को कांटेक्ट करना करते रहना है। जो भी उसके बाद में जो भी अगर केमिकल्स हो तो उसको निर्जंतीकरण करना है, संसर्गजन्य हो तो उसको निर्जंतीकरण करना है और वो उसका क्लीनअप और डिस्पोज करना है पूरी तरह से ताकि हमें हैंडलिंग करते टाइम और कुछ प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। उसके बाद में हमको एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हजार्ड्स मटेरियल्स होता क्या है। उस तो हजार्ड मटेरियल्स होता है जो व्यक्ति व्यक्ति घटना आदि वस्तुओं से जिससे हमारी प्रॉपर्टी और प्रीमाइसेस को माल और जान को हानि पहुंचाई उस मटेरियल को हम हजार्ड्स मटेरियल्स कहते हैं। उसमें एक्सप्लोसिव आता है, फ्लेमेबल आता है, पॉइजनस आता है, रेडियो एक्टिव आता है, ऐसी बहुत सारी मटेरियल्स आते रहते हैं। तो हमने देखा उससे कैसे हमको जो भी सेफ्टी रिक्वायर कर सकते हैं या उस एरिया को कॉर्डन करके उसमें इमरजेंसी को सेवाओं को कॉल करके या तो पीपीई किट पहन के और बाद में उसको डिस्पोजल करके क्लीन अप करके आदि हम सेफ्टी ले सकते हैं। तो और हजार्ड मटेरियल से बिफोर भी आप प्लान कर सकते हैं, अगर दिखाई दे तो उसका रिस्क कम करने की कोशिश कर सकते हैं हम। और उसके बाद में जो भी ड्यूरिंग हजार्ड हो तो हमको कौन सा प्लान करना है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है ये भी हम कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।